हेलो दोस्तों, आज मैं आपको BS6 912 का इंजन जो जिसको हम लोग 3.3 लीटर इंजन के बारे में जानते हैं उसको ओवर हीलिंग पूरा फास्ट टू लास्ट तक आज दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने ओवर हीलिंग किट वगैरह सब कुछ टाटा जेन्युइन का मंगा लिया, जैसे पिस्टन रिंग्स वगैरह, गास्केट्स वगैरह सब कुछ हम लोगों ने मंगा लिया। आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया पिस्टन्स, ये देख सकते हैं सब कुछ नया आ गया, जैसे किट सेट, गैस्केट सेट वगैरह सब कुछ नया आ गया। तो चलिए इसको फिट करना शुरू करते हैं एक एक करके। अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हम लोग इंजन ओवर व्हीलिंग करते हैं, जो भी हो 4 SP हो आपका, कोई भी 3.3 2.2 जो भी इंजन होगा, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले कनेक्टिंग को क्रैंक पे लगा के चेक करते हैं उसका प्ले वगैरह फ्री है क्या, सब कुछ चेक करते हैं। और दूसरा हम लोग मेन शाफ्ट को ब्लॉक में बिठा के भी चेक करते हैं सब फ्री है क्या, कोई बियरिंग में पकड़ा है क्या, सब कुछ चेक करते हैं बेसिकली कोई भी इंजन पे। तो हम लोगों ने वो सब कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पिस्टन कूलिंग नोजल्स जिसको बोलते हैं हम, उस सबको लगा देंगे, फिर हमारा क्रैंक को बिठा के चेक करेंगे उसका प्ले वगैरह सब कुछ सही है क्या। तो चलिए करते हैं उसको। अब देख सकते हैं कूलिंग नोजल्स को हमने कैसे फिट कर दिया। 10 साइज का बोल्ट रहता है चारों में, चार सिलेंडर पे। एक्चुअली ये काम क्या करता है, ये पिस्टन को कूल करने का काम करता है, पिस्टन पे इंजन ऑयल का छिड़काई करता है तो जाके ये बोल्ट ठंडा रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग नोजल्स। तो कर दिया इसको फिट, अभी करते हैं क्रैंकशाफ्ट को फिट। अभी देख सकते हैं हमने क्रैंक को फिट कर दिया। तो अभी हम सबसे पहले थ्रस्ट वॉशर जिसको हम बोलते हैं, थ्रस्ट वॉशर का काट को आप देख सकते हैं, जो रियर का सबसे पहले वाला बिगिन है उसमें आपका थ्रस्ट वॉशर लगेगा। थ्रस्ट वॉशर एक्चुअली 4 रहता है, नीचे 2 ऊपर 2। तो आप देख सकते हैं जो लंबा वाला कट है उस साइड में लॉक साइड बैठेगा, एक का लॉक साइड इस तरफ है, दूसरा का लॉक साइड इस तरफ है। तो अभी हम करते हैं सबसे पहले थ्रस्ट वॉशर को फिट, और फिर हम लोग बाद में कैप को पेस्ट लगा के अच्छा से, जैसे आपका मेटल ऑल सील हो गया वो लगा के फिट करते हैं, फिर बाद में फिट करने के बाद में ऑल सील फिट करते हैं। चलिए करते हैं फिट। आप देख सकते हैं हमने जब भी इंजन ऑयल ओवरहॉल करते हैं, इंजन ओवरहॉल करते हैं तो देख सकते हैं टाटा जेन्युइन ही लगाते हैं मेटल ऑयल सील, ये आप देख सकते हैं ये टाटा ही प्रोवाइड करता है, ये टाटा जेन्युइन है तो इसको ही हम यूज़ करेंगे। अभी हमने इसका कैप भी फिट कर दिया। कैप फिट करने के बाद में हमने क्या किया, जो रियर ऑयल सील है क्रैंक ऑयल सील उसको हमने फिट कर दिया। और आप देख सकते हैं इस तरफ जो हम लोग का पार्ट है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मेटल ऑयल सील लगा दिया। अभी देख सकते हैं हमने बोल्ट को 18 kg जैसा उसको टाइट करना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग मीटर हैंडल से दे देंगे, फिर बाद में उसको फिर से चेक करेंगे कि अच्छा से टाइट हुआ क्या। और आपको और एक बात बता दूँ, ये जो 3.3 लीटर है इसको तो हमने कैसे भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन हेड का जो बोल्ट है उसको डिग्री वाइज टाइट करना पड़ता है। तो देखो वीडियो में बने रहिए, बाद में जब हेड लगाएंगे तो देख सकते हैं कैसे टाइट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा पिस्टन में हम लोग रिंग घुसा के इसको रेडी करके रखे हैं, अभी इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब देख सकते हैं बेसिकली हम लोग का जो कनेक्टिंग रहता है ये हम लोग का इससे बैठता है, तो जो 3.3 लीटर का है और अल्ट्रा का है ये इससे घूमेगा ऐसे, ये इसका एक मार्क देख सकते हो आप, ये स्टर के से जाएगा। तो चलिए करते हैं उसको फिट। अब देख सकते हैं हमने 3 को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग सबसे पहले इसको घुमा कर चेक करेंगे कहीं पे जाम वगैरह है क्या, और दूसरा हम लोग कैप का
जो प्ले है वो चेक करेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा चौथा वाला है, जो फोर्थ वाला है। अब देख सकते हैं ये वाला वॉयलिंग है, ये वाला सेकंड कॉम्प्रेशन, ये वाला फर्स्ट कॉम्प्रेशन रिंग है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लुब्रिकेट कर देंगे थोड़ा सा, जो स्लिप में जाने से वो फ्री जाएगा, तो इसलिए हम इसको लुब्रिकेशन कर देंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं इससे, फिर हम लोग उसको फिट करके अच्छा से उसका प्ले वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे। चलिए करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने ब्लॉक को पार्टी कर दिया क्योंकि पिस्टन को इंस्टॉल कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो ऑयल पंप है उसको फिट करेंगे, करते हैं फिट उसको। आप देख सकते हैं ये हम लोग का 3.3 लीटर का ऑयल पंप, तो इसका यहाँ पे ओरिंग बैठेगा, तो हम लोग ओरिंग को नया देखेंगे, नया हम लोग का किट सेट में है। अभी हमने ऑयल पंप को बिठाने से पहले क्या कर दिया, चेन को क्रैंक का साथ में, जो क्रैंक और आपका ऑयल पंप का साथ में है उसको बिठा दिया। फिर दो बोल्ट रहता है 12 का और एक 10 का, तो अभी करते हैं उसको टाइट। अभी हम स्टेनर को फिट करेंगे, ऑयल स्टेनर को। अभी आप देख सकते हैं हमने कर दिया ऑयल चैम्बर को फिट, जिसको हम ऑयल सम भी बोलते हैं, इसको हमने पेस्ट लगा के टाइट कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, इसको पल्टी करेंगे। पल्टी करके इसका जितना भी टाइमिंग गया है उससे पहले हम लोग हेड को फिट करेंगे पल्टी करके। तो चलिए करते हैं हेड को फिट। अभी हम हेड गास्केट हेड फिट करने से पहले फ्यूल पंप को फिट करेंगे। देख सकते हैं फ्यूल पंप, ये गियर को हम निकाल देंगे और फ्यूल पंप को उस तरफ से घुसा देंगे। आप देखिए, देख सकते हैं अभी कर दिया हमने इसको फिट। अभी तीनों बोर्ड लगा के कस देंगे। अभी हमने क्लच हाउसिंग कर दिया फिट। अभी इसका सब बोर्ड लगा के फिर इसको कर दिया टाइट। देख सकते हैं हमने टाटा जेन्युइन का हेड गास्केट भी परचेज किया है, तो अभी इसको खोल के फिर हेड को फिट कर देंगे। फिर हम लोग का अगला प्रोसेसिंग होगा हम लोग का टैपेट सेटिंग का, टाइमिंग का, तो आप देखते रहिए। अभी आप देख सकते हैं जैसे हमने हेड गास्केट को फिट करने के बाद में उसको ऑयल से थोड़ा उसको ऊपर ऑयल डाल दिया, क्योंकि वो अच्छा से एयर को मतलब अंदर से निकाल सकते हैं जब हम लोग बोल्ट को छापेंगे। तो अभी करते हैं हम फिट हेड को, तो देखते रहिए। अभी हमने बिठा दिया हेड को, अभी हम हेड का सब बोल्ट को लगा के टाइट करते हैं। अभी हम इसको टाइट करते हैं। और एक बात हम लोग सब जानते हैं, हेड का बोल्ट जब भी हम लोग लूज़ करते हैं तो लूज़ करने का टाइम में हर वक्त साइड से ही जाते हैं। अगर टाइट कर रहे होते तो टाइट हम लोग बीच में से ही शुरू करते हैं, पहले लेफ्ट नहीं तो राइट में बीच से ऐसे ही करते हैं। तो चलिए करते हैं उसको टाइट। अभी हम कैमशाफ्ट हाउसिंग को बिठाएंगे, तो कैमशाफ्ट हाउसिंग को बिठाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंजन ऑयल का लाइन है उसमें एक ओरिंग रहता है, तो इसको हमने कर दिया फिट। तो अभी करेंगे हम कैमशाफ्ट हाउसिंग को फिट, तो चलिए करते। अभी हमने कैमशाफ्ट कैरियर को टाइट करके फिर हमने कैमशाफ्ट को फिट कर दिया। अब देख सकते हैं क्रैंकशाफ्ट हमने इस साइड का वाला प्लेन लगाया और लेफ्ट साइड का जो है वो कट वाला लगाया। कट वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमारा टैपेट के ऊपर में कैमशाफ्ट आपका सेंसर रहता है, ये कैमशाफ्ट सेंसर यही से सेंस होता है, ये होल इफेक्ट सेंसर है, तो इसलिए कैमशाफ्ट सेंसर का साइड में ये हम लोग लगाए। तो अभी अब देखते रहिए कैमशाफ्ट का सब कैप लगाएंगे, फिर आपको टाइमिंग कैसे करते हैं इसका वो दिखाएंगे।
अभी हम क्या करेंगे, कैमशाफ्ट को फिट कर दिए, अभी हम टाइमिंग को ये फिट करेंगे। आप देख सकते हैं कैम का जो पीछे का छोटा वाला साइड है, ये हमारा नीचे का साइड होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको दोनों को माप के एक इक्वल होना चाहिए। और आप फ्लाईओवर में देख सकते हो, यहाँ में एक होल दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये होल एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग टाइमिंग गियर का तरफ चलेंगे। टाइमिंग मिलाने के टाइम में हमने कैमशाफ्ट को पूरा पीछे का तरफ लॉक कर दिया, फ्लाईओवर भी लॉक कर दिया। अभी देख सकते हैं हमने सब बोल्ट को भी लूज करके इसको पूरा फ्री रखा है। देख सकते हैं दोनों कैमशाफ्ट को पूरा फ्री रखा है। फिर यहाँ में क्रैंकशाफ्ट को लॉक करने के लिए हमने एक बोल्ट का सहायता लिया। फिर अभी क्या करेंगे, हम लोग का ये वाला जो अंदर वाला है, ये तो हम लोग का ऑयल पंप वाला है, ऑयल पंप क्रैंक। तो अभी हम लोग जो लगाएंगे, ये क्रैंकशाफ्ट से आपका फ्यूल पंप तक रहेगा। आप देख सकते हैं जो फ्यूल पंप पे का गियर है, अंदर पे आप देख सकते हैं जो 12 साइज का ये वाला जो दो बॉल है, तो हमें इनको पूरा सेंटर करके बिठाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पूरा होल मैच हुआ है, क्योंकि जब हम लोग फ्यूल पंप को खोलेंगे बिना टाइमिंग कवर खोल के, तो इसको हम लोग पुलर लगा के उसमें लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेंटर करके लगा दिए। तो चलिए इसका नट को भी करते हैं फिट। अभी आप देख सकते हैं ये हमने रेल को भी फिट किया। अभी मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम लोग का जो फ्लाईओवर का जो मार्क है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक होल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने मेज़र कर लिया। फिर हमने दोनों कैमशाफ्ट का पीछे आप देख सकते हो, लॉक करने के टाइम में ये दोनों कैमशाफ्ट पूरा सही से लॉक है। अभी आप देख सकते हैं हमने जो चेन का रेल को लगाया, तो आप देख सकते हो अंदर में एक है, जो अंदर का वाला है वो ऑयल पंप का वाला है, और जो बाहर वाला है वो क्रैंक से आपका फ्यूल पंप तक। अभी हम लोग जो चेन को लगाएंगे वो हमारा फ्यूल पंप से कैमशाफ्ट को कवर करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन का एक कलर सा जैसा मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो नंबर 8 वाला है वो हमने, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 8 वाला होगा वो आके यहाँ पे बैठेगा। तो इसका बाद का प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। हम इनको फिक्स कर लिया। अभी टैपेट को आप देख सकते हैं जो हमारा फायरिंग पोजीशन है, जो हम लोग का टाइमिंग पे है, मतलब नंबर 1, 4 दोनों सिलेंडर TDC पे है। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग का टैपेट आएगा 1, 2, 3, उसके बाद में आएगा 5। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 5 ये चारों हम लोग का फ्री रहेगा। फिर दूसरा राउंड में जो बाकी है वो सब उठ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा नंबर 1, 2, 3, 4 जाम रहेगा, 5 फ्री रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं हम लोग का टाइमिंग पूरा विस्तार से आप देख सकते हैं, अभी टाइमिंग पे है गाड़ी। आप देख सकते हैं कैमशाफ्ट का पोजीशन ऊपर में 80th SA में बोला था। आप देख सकते हैं पूरा टाइमिंग पे। तो अभी हमने टैपेट को भी सेट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइमिंग कवर को फिट कर देंगे। देख सकते हैं हमने टाइमिंग कवर को फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसका बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, और टैपेट कवर को भी हमने बिठा दिया। तो चलिए टैपेट कवर का सब बोल्ट को भी कस के टाइट करते हैं। अभी हम इसको वेलकम कचिंग को फिट कर देंगे।
अभी हमने इंजन को फुल ओवरहॉलिंग करके गाड़ी में इंजन उठा के स्टार्ट कर दिया। अभी आप साउंड भी देख सकते हैं, इसका सब कुछ करेक्ट है। पहले इसका एबनॉर्मल साउंड था, तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी हमारा है 912 V6 3.3 लीटर वाला, तो अभी आप देख सकते हैं स्टार्ट है।